बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर बाद देख रहे हैं 2765 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीसदी की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि बिनौला खल का वायदा बाजार अब 2700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक जब तक बिनौला खल 2850 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बिनौला खल में ऐसी एक रेंज वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा, सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अगर बिनौला खल 2850 का लेवल वायदा बाजार में तोड़ देता है, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता है वहाँ से, तो बिनौला खल ऊपर में 2900 से लेकर इमीडिएट टारगेट 3000 तक दिखा भी सकता है। लेकिन इसके लिए बिनौला खल को 2850 का जो लेवल है वो तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर 2850 का लेवल टूटता है तभी आगे और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो जानकार है बिनौला खल में वो पॉजिटिव ही है कि बिनौला खल में जो 3000 के भी लेवल हैं वो भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। 2850 का लेवल जल्द ही दिखता नज़र आएगा और सस्टेन भी होता नज़र आएगा। लेकिन अभी उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है उन लेवल्स आने में। अभी थोड़ी बहुत एक सीमित दायरे में कारोबार अभी कुछ दिन तक और जारी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल रुझान बिनौला खल में पॉजिटिव ही है, तेज़ी का ही तरफ रहेगा बिनौला खल। और बिनौला खल 2022 में भी आपको काफ़ी शानदार मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है।